वेलकम बैक। तो आइए आज सीखते हैं कि फ्री में हम वीडियो सॉफ्टवेयर यूज़ करके किस तरह से एक वीडियो हम एडिट कर सकते हैं, और 10 मिनट के अंदर ही आप सीख जाएंगे। उसके बाद आपको किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं होगा, डेफिनेटली आप, और मैं फ्री टूल बता रहा हूँ आपको। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए इसे चेक करते हैं कि ये टूल किस तरह से काम करता है और किस तरह हम यहाँ पर क्रोम ओपन कर लिया है मैंने, और इस सॉफ्टवेयर का नाम है क्लिप चैम्प। तो क्लिप चैम्प पे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से करना है। इसको ओपन होने देते हैं, ओपन हो गया। मैं यहाँ पे साइन इन कर देता हूँ। आपके पास अकाउंट नहीं होगा तो डेफिनेटली आपके क्या करेंगे, ट्राई फॉर फ्री करेंगे यहाँ पे और साइन इन पे जाएंगे। तो ऑलरेडी हम साइन इन पे जाएंगे, और अगर आप इसे करते हैं जैसे ट्राई फॉर फ्री, तो इसमें ईमेल आईडी और नाम वगैरह ही पूछता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। वहाँ पे फिर आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं ईमेल आईडी से, उसके बाद ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं। तो ये ओपन हो गया। ऑलरेडी मैंने इसे यूज़ किया है ट्रायल पर्पस से। ट्रायल पर्पस से मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, एक वीडियो जो है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एडिट करके भी देखा है। तो और फास्ट फॉरवर्ड में मैं आपको दिखाऊंगा ताकि ये 10 मिनट में ये हमारा पूरा हो जाए। तो क्रिएट ए वीडियो विथ AI, तो AI के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। फिलहाल तो हम ये सिंपल जो है तो उसको हम कवर करेंगे ताकि ये दस मिनट के अंदर हमारा हो जाए और सारी चीज़ें हम इसमें कर पाएँ। तो इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी है, वॉइस रिकॉर्डिंग का भी है, बाकी बात टैंपलेट्स इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्रिएट न्यू वीडियो किया, प्लस के बटन पे हमने क्लिक कर दिया यहाँ पे, और ये ओपन हो गया है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्ट करना है, जैसे तो मेरे पास वीडियो है वो मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। ये एक मिनट का वीडियो है, इस वीडियो को मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ, और इसी पे मैं आपको वर्क करके दिखाऊंगा किस तरह से इसको कट करना है, इस पर टाइटल डालना है, इसके एनिमेशन डालना है, और सारी चीज़ें ट्रांजिशन वगैरह सारी चीज़ें हम यूज़ करके देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ से हम ड्रैग करेंगे, इस टाइमलाइन पे लेके आएंगे। टाइमलाइन पे यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऑडियो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको अब क्या करेंगे, प्ले करके देख लेंगे कि क्या है। इधर तो बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है, तो मुझे वीडियो के बारे में पता है कि क्या कहाँ से मुझे लेना है। तो अब मैं आपको मैं दिखाता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं आपको वेस्ट करूँगा मैं बस, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कट कर दिया इसको। यहाँ पे स्प्लिट करने के लिए देखिए, यहाँ पे ये सिंपल से कैची है, यहाँ पे कट करेंगे उसके जितनी देर तक हमसे रखना है। तो हम यहाँ पे चीज़ों को देखते हैं क्या चीज़ें अपडेट्स आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करके भी इसे स्प्लिट कर सकते हैं, दोनों के लास्ट के भाग को हम इसे समाप्त कर देंगे। इसको ड्रैग करके यहाँ से आगे की तरफ लेके आ जाएंगे। अब इसमें हमें मेजर अप काम क्या है, हमारा मेजर काम ये है कि इसको हम टेक्स्ट डालना है। तो यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट टू टाइप आ जाएगा। तो इस तरह से ग्लीस टाइप का आ जाएगा, डबल लाइन करके ये अब आ जाएगा, स्मोक वाला आ जाएगा। तो हम यहाँ पर सिंपल ले लेते हैं बस, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे रख लूँगा, और इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे टाइपराइटर आ रहा है। तो यहाँ पे अपने टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे FAZL फजल अहमद आप अपना नाम लिख सकते हैं। मेरा नाम फजल अहमद है तो मैं अपना नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इस टेक्स्ट में और क्या हम कर सकते हैं, इसका यहाँ पे फॉन्ट इसका हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देखो आप यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा ये, है ना।
यहाँ पे आप इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर का हम चाहेंगे इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, तो बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट इसका देखो वाइट हमने है, इसमें अभी ट्रांसपेरेंट था बाय डिफॉल्ट, इसका ब्लैक अगर करना चाहते हैं तो ब्लैक बैकग्राउंड भी हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। पोजीशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, पोजीशन में क्या करना है, पोजीशन में देख सकते हैं आप जिस तरह से हम पोजीशन लेंगे उस तरह से वो पोजीशन, या तो फिर हम इसको यहाँ से इस तरह से इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ओहो ये जो कर्सर है इसको आपको सही जगह पे रखना पड़ेगा तभी दिखेगा, वेलकम बैक, ठीक है। तो ये आ गया पकड़, जब इस तरह से बन जाएगा ये तो इसे यहाँ पे हम लाके खींच देंगे। वेलकम बैक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नाम आ गया, सिंपली कुछ नहीं करना है अभी से। अब इसमें अगर फेडिन लगाना है तो हम फेडिन लगा सकते हैं, 2 सेकंड 3 सेकंड या 5 6 सेकंड का लगा दिया, फेड आउट भी हमने 5 सेकंड पे लगा दिया, तो ये इस पे हमने सेलेक्ट लगाया फेडिन। अगर वीडियो पे फेडिन फेड आउट लगाना है तो वीडियो को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो वेलकम बैक, ठीक है, ये फेड इन हो गया, और वीडियो के जो फेड इन है थोड़ा कम है तो आप भी आपको पता नहीं चलेगा, 5 6 सेकंड में लगाता हूँ तो फेड इन का मतलब आपको पता चल जाएगा। देखो अब ब्लैक हो गया, अब वेलकम बैक, और सॉरी इसको क्या हो गया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको वेलकम बैक ब्लैक होता है, उसके बाद ये फेड इन, उसके बाद फेड आउट लास्ट का मैं आपको दिखा देता हूँ। और हम इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे वीडियो स्क्रीन एंड कैमरा, तो यहाँ पे आप देख लो अगर इसे यहाँ पे ऑन करेंगे तो ये इंटायर अगर हमें करना है तो इंटायर हमने कर लिया, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे उसके बाद शेयर करेंगे तो ये आपका ऑन हो गया है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। एक नया टैब खोलेंगे इसमें, उसके बाद आप यहाँ पे फिल क्लिप चैम्प करके ओपन कर लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों काम आपका स्टार्ट हो गया है। ये थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है तो ये स्लो चल रहा है, यहाँ से इसे हाइड कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे इसको लॉगिन कर लिया हमने और साइड में वो हमारा वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो अभी इसमें ज़्यादा मैं टाइम नहीं वेस्ट करके अभी मैं यहाँ पे इसको स्टॉप कर देता हूँ, मैंने स्टॉप कर दिया इसको, तो ये आपका ऑन हो गया है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। हाँ, सेव कर देंगे इसको यहाँ पे और ये सेव हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये अभी अभी जो हमने किया है यहाँ पे सेव हो गया। अब इसके टाइम लाइन में अगर लाना चाहते हैं इसे कर सकते हैं, तो इसी तरह से रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्क्रीन कैमरा क्या है, सिर्फ कैमरा कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद स्क्रीन का दिया हुआ है तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी यहाँ से आप कर सकते हैं, फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग के लिए फिल्म हो रहा यूज़ कर रहा हूँ, अब नेक्स्ट टाइम से जो वीडियो बनाऊँगा इसी को यूज़ करूँगा मैं क्लिप चैम्प को। टैम्पलेट, यहाँ पे टैम्पलेट लेते हैं, यहाँ पे अगर वीडियो के लिए आपको कुछ टैम्पलेट चाहिए तो उस हिसाब से आप यहाँ पे टैम्पलेट अपने इंस्टाग्राम यूट्यूब के लिए, और यहाँ पे म्यूजिक एंड SFX के लिए जो भी आप म्यूजिक वगैरह यहाँ पे आप तो आप बैकग्राउंड में यूज़ करना चाहते हैं या ऐसे यूज़ करना चाहते हैं तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। चलो ये हमारा इधर का है और ये यहाँ का है, तो इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, हमारा पुराना वाला ही चलने देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। उसके बाद हम देखते हैं इसका अगर बैकग्राउंड यूज़ करना चाहते हैं तो म्यूज़िक यहाँ पे हम कुछ भी म्यूज़िक यहाँ पे सेलेक्ट करके अपना नीचे हमने ले लिया इसको और यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया और इसको यहाँ पे स्प्लिट कर दिया,
क्योंकि हमें जो म्यूजिक चाहिए इतना दूर के लिए ही चाहिए, तो इस पोर्शन को जो सेलेक्टेड है उसको हम डिलीट बटन से इजीली यहाँ पे हटा सकते हैं। अब इसकी वॉल्यूम को कंट्रोल करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके वॉल्यूम को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो। वेलकम बैक। तो आप देखिए पीछे का बैकग्राउंड भी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब वीडियो सैंपल्स यहाँ पे हैं, तो वीडियो लाइब्रेरी में आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्री वीडियो आपके बहुत सारे मिलेंगे, जो भी आप प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। इमेज गैलरी है, यहाँ से आप फोटो ले सकते हैं, एनिमल्स हैं या आर्ट है, कोई भी आपको चाहिए आप इसमें से पिक कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट मैंने आपको दिखा दिया था, इसमें बहुत सारी स्टाइल है, वो आप एक एक करके आप चेक कर लीजिए। और यहाँ पे ऑटोमेशन यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ चीज़ें जो आप यूज़ करना चाहते हैं वो फ्री में भी है, और जो पेड वाले हैं तो पेड वाले भी हैं, पेड वाले में यहाँ पे आपको स्टार वगैरह दिख जाएगा। तो ये सब अगर आप चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे देखो आप, अगर मैंने यहाँ पे इसको समझ लो इम्पोर्ट कर दिया, यहाँ पे ट्रैक कर दिया, अभी इम्पोर्टिंग हो रहा है, थोड़ा सा 2 सेकेंड का टाइम लगेगा ये। तो अब देखो ये यहाँ पे आ गया, इम्पोर्ट हो गया। आप इसकी रिसाइज भी कर सकते हैं कहीं पे अगर लगाना है, जैसे गिफ्ट के लिए अगर आप कुछ वीडियो बना रहे हो तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल तो हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, हम इसे यहाँ पे डिलीट कर देंगे। चलिए तो ये आइटम हमने देख लिया, फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक से एक चीज़ें हैं यहाँ पर, आप सारी चीज़ें अप्लाई करके इसमें ईज़िली यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये अब देखते हैं, हटा दिया हमने। अब यहाँ पे कैप्शन है, अगर कैप्शन को आप ऑन करना चाहते हो तो यहाँ से देखो आप क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे, हिंदी, टर्न ऑन कर लिया हमने। अब ये कैप्शन के साथ ये जनरेट हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ये हो रहा है, तब तक आप वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसे देखें, कुछ डाउट होता है कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, और नहीं तो मैं आपको नंबर भी दूँगा, उसमें भी आपको गाइड कर दूँगा। ठीक है, तो आप इसे हम ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आए वेलकम बैक करके आ गया, सारी चीज़ें ये हिंदी में लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वेलकम बैक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेलकम बैक जैसे ही बोला मैंने तो ये वेलकम बैक आ गया यहाँ पे। चलिए ये हो गया, अब देखते हैं वॉल्यूम का, और वॉल्यूम मुझे लग रहा है अभी भी बैकग्राउंड वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको और भी हम कम कर सकते हैं। यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट करेंगे तो वीडियो की ये वॉल्यूम हो जाएगी, अगर वीडियो में अभी बनाया आपने, हो सकता है कि आपको लगे कि वीडियो का थोड़ा वॉइस कम है, तो उसको इंक्रीज आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑडियो को यहाँ पर वीडियो से डिटैच भी कर सकते हैं, इसको मैंने क्लिक किया, देखो आप यहाँ पर डिटैच हो गया ये ऑडियो, ये ना, ये अलग से ऑडियो यहाँ पे आ गया। अब देखो आप देख रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ मैं अब कैनवा में। तो
सकते हो। कैनवा के अपडेट से ये वीडियो भी आप जाके देखें चैनल पे, और अलग से कैनवा का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अभी आप फेड इन फेड आउट का मैंने आपको पहले भी कवर कर चुका हूँ। अब वीडियो को फास्ट करना है या क्या करना है, इस वहाँ पर जब फास्ट अगर करना है तो यहाँ पे आपको फास्ट में भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप स्पीड इसकी, अभी मजा आएगा देखना कैसे मैं बोलूंगा। वेलकम बैक, ये देखो तो कितना जल्दी हो रहा है। अगर साउंड के साथ भी अगर होगा ना तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। देखना आपको इसका 1.5 है ना, तो इसका भी 1.5 ही कर देते हैं, तो ये दोनों मैच कर जाएगा। 11.5 हो गया, 0.5। ठीक है, थोड़ा यार हो जाता है वीडियो एडिटिंग में, टाइम तो लगती है ना चीज़ें समझाने में, अब जल्दी के चक्कर में छोड़ भी नहीं सकते। देखते हैं कि कैनवा में जो मैजिक स्टूडियो लॉन्च हुआ है उसमें तो ये हुआ। आप इसको फिर नॉर्मल अगर करना है तो हम इसे 1 पे लेके आ जाएंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसको भी हम यहाँ पे 1 पे लेके आ गए। ठीक है, कलर एडजस्टमेंट देख लेते हैं। पहले फिल्टर है, वीडियो पे जब क्लिक करेंगे तभी आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिल्टर चेक कर लेते हैं क्या अपलोड हो रहा है, करते हैं। तो ये आ गया हमारा ऑप्शन यहाँ पे, और देख सकते हैं आप इसे। ठीक है, इंटेंसिटी इसकी बढ़ा सकते हैं आप, इसको सिलेक्ट कर लिया, वाइब्रेंट ब्लॉगर ये आप देखो। तो अलग अलग जो है आप फिल्टर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आपका फिल्टर। अब इसे इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। क्या मजाक है, फिल्टर एंड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, अब ये अब देखो रोटेशन वाला है ये, आप ये अगर इफ़ेक्ट लगाना चाहते हो ये इफ़ेक्ट, हाँ इफ़ेक्ट लगा सकते हो। ठीक है, मज़ेदार नहीं है, लॉन्च हुआ है तो और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है, स्लो जूम, अभी धीरे 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 वेलकम बैक। तो आइए, तो इस तरह से जो मोबाइल से नन करना है तो आपने इसे नन कर दिया। ठीक है, कलर एडजस्टमेंट देख लेते हैं। वीडियो को हम खुद से अगर चाहते हैं कलर, थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा दिया मैंने, थोड़ा सा कंट्रास्ट बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाया, सैचुरेशन को थोड़ा सा रहने दिया, नहीं नहीं सही है। ठीक है, ओ ये रहा, टेम्परेचर को थोड़ा सा टेम्परेचर सही है, और ये हो गया आपका, और ये रहा। अब आप देख लीजिए कि ब्लेंडिंग मोड भी यहाँ पे दिया हुआ, डार्केन, लाइटेन, अगर लाइटेन आपने डार्केन लिया तो डार्क पार्ट, अब ये लाइटेन देख लो आप। स्क्रीन ओवरले देखते हैं कि तो ओवरले है ये, अब इसको हम लाइटन पार्ट ही यहाँ पे कैनवा में जो मैजिक स्टूडियो, तो ये आपका ओके। यहाँ पे स्पीड मैंने आपको पहले ही कवर
कर चुका हूँ। अब मेनली चीज़ है कि इसे एक्सपोर्ट कैसे करना है। देखो यहाँ पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे हमें फ्री मिल रहा है 1080p HD क्वालिटी में, और इसे यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेंगे। ये डाउनलोड हो रहा है और काफ़ी अच्छा स्पीड भी आ रहा है मेरा इंटरनेट का। तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया है, अब इसे यहाँ से हम प्ले करके देख सकते हैं। वेलकम बैक। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो तैयार हो गया। इस तरह से आप ये वीडियो बना सकते हैं, और इसमें कुछ कमियाँ हो सकती हैं क्योंकि मैंने बहुत ही इसे फास्ट काम किया है। तो आप खुद से इसे बस टूल का एक ओवरव्यू आपको मिल गया है। आप वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे, डेफिनेटली आप सीख जाएंगे। सारी चीज़ें मैंने लगभग कवर कर दिया इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को नए हैं तो, और अब तो आप फ्री में वीडियो भी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।